पर कहने को तो बहुत से रियलिटी शोज हैं, लेकिन जो ऑडियंस के दिल और दिमाग पर छाया रहे ऐसा सिर्फ कुछ ही रियलिटी शोज कर पाते हैं। यहाँ हम एक ऐसे ही शो के बारे में बात करने जा रहे हैं, MTV चैनल पर आने वाले पॉपुलर शो रोडीज की चर्चा आप हर एक नौजवान के मुंह से सुन सकते हैं। इस शो का ये 16वां सीजन है जो कि 10 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। शो की पॉपुलैरिटी की बात करें तो हर कोई और खासकर यूथ इस शो का बहुत ही बड़ा फैन है। इस शो के बारे में बताने के लिए यूं तो बहुत कुछ है, पर आज हम बात करेंगे शो के गैंग लीडर्स की सैलरी के बारे में, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर इस शो के गैंग लीडर्स की सैलरी कितनी है। तो चलिए आज बताते हैं आपको इस शो के गैंग लीडर्स की सैलरी के बारे में। पहले हम बात करते हैं रणविजय सिंह की, तो इनके बिना इस शो की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और सैलरी की बात करें तो रणविजय शो के लिए लगभग 11 से 12 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रिंस नरूला की, जिन्होंने रोडीज के साथ ही बिग बॉस और स्प्रिट्स विलाज जैसे पॉपुलर रियलिटी शोज जीते हैं। बता दें कि प्रिंस रोडीज के लिए लगभग 7 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। अब बात करते हैं निखिल चिनप्पा की, जो काफी टाइम से इस शो में बने हुए हैं और निखिल इस शो के लिए लगभग 9 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया, जो अपना इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी शो का हिस्सा बनी हुई हैं, और नेहा इस शो के लिए पर एपिसोड का लगभग 7 लाख चार्ज करती हैं। अब बात करते हैं मशहूर रैपर रफ्तार, जो इस शो में भी सबको अपनी धुन पर नचाते हैं। रफ्तार इस शो के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं। आखिर में बात करते हैं संदीप सिंह की, जिन्होंने हाल ही में शो के गैंग लीडर्स की टीम में जगह बनाई है। बता दें कि संदीप इस शो के लिए लगभग 4 लाख पर एपिसोड चार्ज करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हमें मिली जानकारी के हिसाब से जो बात सामने आई है वो यही कहती है कि इन गैंग लीडर्स की सैलरी इतनी है। नेक्स्ट 9 न्यूज लाइव से पूजा केसरी।